हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माई एसक्यूएल डेटाबेस की। आज हम बात करेंगे कि जो भी डेटाबेसेस आपने बनाए हैं माई एसक्यूएल के अंतर्गत, उसको अगर शो कराना हो तो कौन सा कमांड यूज होगा और कैसे हम उसको शो करा करके दिखा सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ से मैं माई एसक्यूएल सर्च कर लेता हूँ तो ये माई एसक्यूएल की कमांड लाइन ओपन हो जाती है इस तरीके से। अब यहाँ थोड़ा सा पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ ताकि हम MySQL को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे ये पासवर्ड एंटर किया हमने और यहाँ पर ये आ गया है MySQL। कमांड क्या लिखना है आपको वो ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखना है आपको शो, SHOW, शो लिखा आपने और फिर गैप दीजिएगा, फिर लिखिएगा डेटाबेसेस लिखिएगा और यहाँ पे सेमीकोलन, बस आपको इतना ही करना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारे डेटाबेसेस दिखेंगे। तो ये देखिए बहुत सारे डेटाबेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट नाम से एक डेटाबेस बनाया था, प्रोडक्ट डेटाबेस बनाया था, प्रोडक्ट नाम से बनाया था, स्टूडेंट डी नाम से बनाया था, स्टूडेंट टी नाम से बनाया था, सूरज नाम से बनाया था। तो ये सारे डेटाबेसेस हैं जो मैंने बनाए थे। तो डेटाबेसेस को शो कराने का कमांड होता है शो डेटाबेसेस। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि डेटाबेसेस को शो कराने का कमांड क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।